हे गाइस, मैं शोम एक्वेरिना का प्योर बेटा का नया वीडियो लेके एकदम मंथ के पहले दिन में ही हाजिर हो चुका हूँ, क्योंकि आज मेरे को अपडेट देना है कि मैं जो कंपटीशन के लिए गप्पी रेडी कर रहा हूँ उसका क्या हाल है। और मैं सिर्फ दो ही दिखाऊंगा, मैं बहुत सारा रेडी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सब में ज्वाइन करना है, सब में मैं एंट्री करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ दो ही दिखाऊंगा वीडियो में क्योंकि मैं सब नहीं दिखा सकता, मेरी मजबूरी है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक बेटा लाया हूँ, वो बेटा ऑलरेडी एक कंपटीशन विनर है, मैंने बहुत दाम देके वो ख़रीदा है। मतलब जनरली आप लोग बेटा उस दाम में नहीं खरीदते जितना मैं ख़रीदा हूँ, तो मैं इस वीडियो में उस बेटा को भी दिखाऊँगा। और जो ऑफ़र रनिंग चल रहा है वो ऑफ़र है आज से लेके और ये 15 तारीख तक लास्ट वैलिड है, इस महीने के 15 तारीख तक लास्ट वैलिड है, तो लास्ट 15 दिन है, आप लोग ऑफ़र का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा गप्पी खरीदो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। और ये 15 तारीख के बाद अगर कोई मेरे को हाथ जोड़ कर भी बोलेगा तो मैं एक पैसा भी डिस्काउंट नहीं दे पाऊँगा, मैं ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहा हूँ, लॉसेस में चल रहा हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो है वो निकल जाए और मैं नया और रेयर रेयर आइटम ला पाऊँ, तो इसीलिए मैं ऑफ़र कर चला रहा हूँ डिस्काउंट का। और हाँ, एक बात बोल दूँ, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, वीडियो के एंड में ही मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा के आप लोग कॉल करते हो, जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते हुए मैंने और 3 टेक डिलीट कर दिया क्योंकि एक जन बार बार कॉल कर रहा है वीडियो बनाते बनाते। भाई मैंने कितनी बार बोला है कि कॉल मत किया करो, व्हाट्सएप किया करो, ओनली व्हाट्सएप पर्पज़ मैंने वो नंबर दिया है, तो मजबूरन इस महीने मैं इस नंबर का रिचार्ज बंद कर दूंगा, अभी कोई भी मेरे को कॉल नहीं कर पाएगा, जिसको भी बात करना है मेरे से व्हाट्सएप में करो और मैं परमिशन दूंगा तब व्हाट्सएप में मेरे को कॉल करना। सो अभी वीडियो में आगे देखते रहो, बाकी का मैं इन्फॉर्मेशन तो पूरा ही देता रहूँगा, अगर तुमने वीडियो स्किप किया तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा ही मिस होगा, तो इंट्रो के बाद वीडियो में मिलते हैं। गाइस, वो सेटअप ये है जहाँ पर मैंने गप्पीज़ को ग्रूमिंग के लिए छोड़ा है, यहाँ पर से मैं हर एक गप्पी तो आपको नहीं दिखा सकता, सिर्फ मैं दो दिखाऊंगा और आपको वो दो देख के ही समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा कैसा रेडी कर रहा हूँ। मैं पहले जो दिखाऊंगा आपको, जो वीडियो में दिखाया था, मैं वही दो दिखाऊंगा। ये है सुपर रेड डम्बोयर, ये देखो थोड़ा रोशनी में देखी जाए, ये देखो अभी इसका कलर और शाइन देखो, अभी तो और 2-3 महीने बाकी है, तो आप समझ सकते हो इसको मैं क्या बना दूंगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेली यहाँ का 10% पानी या 20% पानी निकाल देता हूँ और डेली नया पानी देता हूँ और इनको लाइव फूड देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव फूड देता हूँ, तो आपको उठा के दिखा दूँ इसको, अभी देखो अभी क्या लग रहा है, जो आप 5 दिन पहले मैंने वीडियो देखा था उससे देखो, 5 दिन पहले ही मैंने इसको अलग टैंक में छोड़ा है, अभी से डिफरेंस शायद समझ में ना आए, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भी आज से 1-2 महीना बाद जब मैं इस गप्पी को दिखाऊंगा तब आप इसका क्वालिटी देख लेना, तब आप डिफरेंस सीधा समझ पाओगे। अभी जो देख रहे हो आप, ये जस्ट मैंने 5-6 दिन पहले डाला है इस सेटअप में, इसको अलग से ग्रूम करने के लिए, नहीं तो ये है सुपर रेड डम्बो का टैंक, सुपर रेड डम्बो के टैंक से मैं एक उठा के दिखाता हूँ आपको, ये है, ये देखिए फोकस होने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से मछली पकड़ रहा हूँ और एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है सुपर रेड डम्बो का टैंक, ये है नॉर्मल टैंक जहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं, जहाँ पर ये ग्रो आउट होते हैं, ये है नॉर्मल टैंक, और इसी के बाजू में मैंने इसका एक सिर्फ लगाया है जहाँ पर सिर्फ मेल है, तो इसको मैंने ग्रूमिंग के लिए लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये सिर्फ एक अकेला मेल इस इतने बड़े टैंक में रहता है, तो आज तो आप इसका डिफरेंस समझ नहीं पा रहे हो, आप आज से 2-3 महीने बाद जब मैं वीडियो बनाऊँगा फिर इसके अपडेट के ऊपर, तब आप डिफरेंस क्लियरली समझ पाओगे। सो अभी मैं आपको नेक्स्ट गप्पी दिखा रहा हूँ जो मैं रेडी कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं इस वाले टैंक से आपको गप्पी उठा के दिखाने वाला हूँ कि वो लोग ग्रूमिंग के लिए कितना रेडी हुए हैं। मतलब ये देखो, एक मैंने उठा लिया है ऑलरेडी, रेड आइवोरी, और ये है डार्क नाइट आइवोरी,
इसे भी मैं दिखा दूंगा आपको क्यूब में उठा के। यहाँ पर फोकस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ओवर एक्सपोजर होता है ना बाहर रोशनी में, इसीलिए। सो ये देखिए मैंने एक रेड आई बॉडी उठाया हुआ है, सो ये डार्क नाइट को भी डाल दूँ, इसके बाद मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए गाइज कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ये बहुत ही रेयर आइटम है, डार्क नाइट आई बॉडी और वो रेड आई बॉडी। रेड आई बॉडी का तो मेरे को फीमेल भी मिल चुका है, तो अगर कोई रेड आई बॉडी का पेयर चाहे तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर अचानक से बादल आ गए, तो अचानक से बहुत रोशनी कम हो गया, आप फिर भी देख सकते हो। ये जो रेड आई बॉडी है इसका अभी तो सिर्फ मैंने 6 दिन अलग रखा है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो जब ये 2-3 महीना अलग रहेगा, अलग से खाएगा, अलग से ग्रूम होगा, तब इसका क्वालिटी कैसा होगा। ये मैं साइड से दिखा दूँ, ये देखो इसका हाफ मून, फुल हाफ मून में टेल है 180 डिग्री। सो इनका मैं रेगुलर 10% करके पानी चेंज करता हूँ, और 5 टाइम इनको मैं रेगुलर दिन में खाना देता हूँ। ऐसा ऐसा करके आप भी मेरा स्टेप फॉलो करके आप भी गप्पी ग्रूमिंग कर सकते हो, और जो कंपटीशन आ रहा है अपकमिंग, आप वो कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हो। कंपटीशन के लिए रेडी 1-2 गप्पी है मेरे पास, आप चाहे तो वो ख़रीद भी सकते हो, मैं यही वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ, मुझे और भी कुछ दिखाना है इस वीडियो में। सो अभी इन दोनों फिशेस को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि इनको मुझे बहुत बढ़िया करके रेडी करना है। ये देखिए कैसे डर चुके हैं, तो अभी इनको उठा के रखते हैं। सो गाइज अगर आप रेडी हो तो मैं आपको वो बट्टा दिखाने ले चलता हूँ जो कि मैंने ख़रीदा है। सो पहले ही बता दूँ, ये बट्टा सेल के लिए नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो लोकल शॉप से आप 50 रुपये से लेके 250 रुपये में बट्टा ख़रीदते हो, उससे बहुत अलग है, आप वीडियो में ही समझ जाओगे, तो आप वीडियो देखते रहो। सो गाइज ये है वो चैम्पियन एंड मास्टरपीस। आपको इस कंटेनर में देख के लग रहा होगा कि सोम भैया कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, ये तो नॉर्मल बट्टा लग रहा है, ये तो नॉर्मल टेल वो 50 रुपये वाला बट्टा लग रहा है। नहीं भाई, अभी तो इसका ब्यूटी दिखाना बाकी है तुमको, ये तो सिर्फ झांकी है, इसका ओरिजिनल ब्यूटी दिखाना अभी तो बाकी है। चलो दिखाते हैं आपके लिए। यहाँ पर क्यूब मैंने सेट करके रखा है, और अभी डालते हैं इसको, ध्यान से देखना ठीक है। इसका जब ये पूरा फिन खोलेगा, ये अभी फिन क्यों नहीं खोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं इसको खाना दूंगा तब ये फिन खोलेगा। रुको इसको खाना देता हूँ, रुको रुको रुको, खाना यही पर है, इसका खाना है ये ब्लड वर्म, ये ब्लड वर्म, ये बहुत बढ़िया मस्क्यूलर भी खाता है। सो अगर आप बेट्टा रेडी करना चाहते हो तो बेट्टा इसको आप थोड़ा थोड़ा करके मस्क्यूटल अरवा भी खिला सकते हो। तभी देते हैं इसको खाना, ये दे दिया है, देखिए कब नोटिस करता है, नोटिस कर लिया इसने अभी शायद, ये देखो अभी ये पूरा टेल खोलेगा, ठीक है। इसका जो टेल है ना पूरा स्पेड टेल में है, मतलब अगर कोई ताश खेले हो कभी तो ताश में जो स्पेड होता है उसका जो जैसा शेप रहता है वैसे शेप में है इसका टेल। ये खोल नहीं रहा है टेल, कुछ और पैतर आजमाना पड़ेगा, इसको शीशा दिखाना पड़ेगा। रुको मैं शीशा के इंतज़ाम करता हूँ। गाइस मिरर ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश करी, फिर मुझे मिरर नहीं मिला, लेकिन ये देखो मैंने मेरे यहाँ पे ब्रीड हुआ एक OHM का फीमेल छोड़ दिया, अब इस ये अपना कलर दिखा रहा है, अपना देखो टेल दिखा रहा है, ये और भी खोलेगा अपना टेल। रुक जाओ, इसका जो डॉर्सल टेल है मतलब जो पीछे का फिन है वो पूरा स्पेड टेल में होगा, मतलब ताश में जो स्पेड का कलर आता है ना वो स्पेड में इसका पूरा टेल है। तो आप वेट करो, ये देखो अभी फ्लेडिंग कर रहा है, ये देखो गाइस, ये देखो मैं आपको साल, बस अब देखो गाइस कैसा लग रहा है। ये सेल के लिए नहीं है ये बट्टा बहुत एक्सपेंसिव है। अभी मैं इसको ग्रूमिंग कर रहा हूँ, इसको भी मैं कंपटीशन के लिए रेडी करूँगा, और भी इसको बेहतर बनाना है। सो प्लीज़ वेट करो, और कोई इस बट्टा को सेल के लिए मेरे को मत बोलना, ये बट्टा सेल के लिए नहीं है, ये मैंने बहुत पैसा देके ख़रीदा है, ठीक है। ये मेरे शौक के लिए, ये मेरा अभी पेट होने वाला है ये समझ लो,
इसको मैं पेट के हिसाब से रखने वाला हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कैमरे में आप इसका ब्यूटी समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं जब खुले आंखों से देख रहा हूँ ना तो इसका ब्यूटी मेरे को समझ में आ रहा है। और जब कंपटीशन में होगा तब या क्या करेगा, वो लोग ऐसे ऐसे करके इस पर एक शीशा देगा, मतलब ये छोटा करके एक शीशा ऐसे ऐसे दिखाएगा इसको, तो वो ऐसे ही फ्लेयर करेगा जैसा कि अब कर रहा है। ये फीमेल को देख के जैसा फ्लेयर कर रहा है ना पूरा, वो शीशा को देख के भी फ्लेयर करेगा, क्योंकि शीशे में वो खुद का ही रिफ्लेक्शन देखेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि वो खुद ही है। सो रिफ्लेक्ट करेगा और वैसे ही जज करेंगे, वो जजेस होंगे वो वैसे ही जज करेंगे। तो अभी छोड़ देते हैं, नहीं तो ये फीमेल को मार डालेगा। ये इतना बड़ा साइज का मेल है, ये वाइल्ड मेल है, ये मार डालेगा। तो मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ और अभी इसको मैं रेडी करने वाला हूँ कंपटीशन के लिए। शायद एक दो और लाऊँ, वो मैं नहीं दिखाऊँगा, इसको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका खूबसूरती मेरे को इतना भा गया भाई, मैं क्या बोलूँ। सो अभी नेक्स्ट गप्पी दिखाते हैं आपको, जो कंपटीशन के लिए मेरे पास रेडी है और आप वो ख़रीद भी सकते हो, वो ख़रीद के आप कंपटीशन में एंट्री भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइज, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंपटीशन के लिए एकदम रेडी गप्पी। क्यों कंपटीशन के लिए रेडी है? मैंने इसको पहले से, बहुत पहले से ग्रूम किया है, ठीक है। सिर्फ मेल ही था मेरे पास, 8 से 10 पीस मेल था, उसको मैंने अलग से ग्रूम किया है। सो अभी वो रेडी है एकदम। सो मैं इस कैटेगरी में एंट्री नहीं लूँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरे व्यूअर्स को, मैं इस कैटेगरी में एंट्री नहीं लूँगा। और आप लोग यहाँ पर से, मैं अभी जो गप्पी दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर से गप्पी खरीद के आप लोग कंपटीशन में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि एज ए हॉबीज भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। सो मैं ये गप्पी क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों मैं एकदम रेडी करके सेल कर रहा हूँ ये वाला स्ट्रेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब ज्वाइन करना है लेकिन वो टाइम नहीं है, कोई दूसरे प्रोफेशन में है, वो टाइम नहीं मिलता, वो गप्पी को ग्रूम नहीं कर पाते, रेडी नहीं कर पाते। ये गप्पी उन लोगों के लिए है, ये बाहर नहीं जाएगा, सॉरी, ये वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कंपटीशन वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। तो ये गप्पीज़ मैं वेस्ट बंगाल के अंदर के लोगों को ही दूंगा। सो जल्द से जल्द मेरे से कांटेक्ट करो, पहले ये गप्पी देख लो। सो ये है वो सारे गप्पी, यहाँ पर आप क्वालिटी नहीं समझ पाओगे, मैं आपको उठा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है सिल्वराडो डार्क नाइट का मेल, ये देखिए इसका पिन ऑलरेडी, इसका साइज देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि एकदम कंपटीशन रेडी है। मैं एक दो और उठा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और मैं प्रॉमिस कर दूँ कि आपको कि मैं इस कैटेगरी में एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो व्यूअर्स लोग है, मेरा सब्सक्राइबर लोग है, जो मेरे से गप्पी खरीदते हैं, वो लोग भी इस कंपटीशन में आए और कंपटीशन में कुछ ना कुछ प्राइज लेके जाए। अगर मैंने तो पिछले भी वीडियो में बोला है कि अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर इस गप्पी कंपटीशन में आके, गप्पी बेटा कंपटीशन में आके एक भी प्राइज ले सकता है, तो उसके लिए मेरे तरफ से स्पेशल गिफ्ट होगा। गिफ्ट क्या होगा वो बाद में बोलेंगे, लेकिन एक गिफ्ट होगा मेरे तरफ से। सो ये देखो, इसका पिन का साइज़ देखो, ये एकदम कंपटीशन के लिए रेडी है। ऐसा मेरे पास 8 से 10 पीस है, सो एक एक पीस करके एक एक जन ले सकता है। इसका फिन का साइज़ मैं एक को पकड़ के दिखा रहा हूँ, इसका फिन का साइज़ देखो, इसका फिन का साइज़ देखो। मैंने सोचा था कि ये मैं बेच दूँगा पूरा, लेकिन मैं पूरा दुकान में काहे बेचूँ, मैं उस बंदे को दूँगा जिसको ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का शौक है कि ये गप्पी कंपटीशन में आए, मेरे से बात किए बहुत सारे लोग, लेकिन वो गप्पी ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं अलग से, क्योंकि वो अलग प्रोफेशन में है। मतलब देखो भाई, पापी पेट के वजह से काम करना पड़ता है। सब कोई तो मेरी तरह ये फार्मिंग के लिए नहीं करता, कोई कोई हॉबी के लिए भी करता है, ज़्यादातर लोग ही हॉबी के लिए करते हैं। सो वो हॉबीस्ट लोगों को भी जगह है ये कंपटीशन के लिए, लेकिन जो हॉबीस्ट लोग अपने पास गप्पी रेडी नहीं कर पाते, उनके लिए ये गप्पी है एकदम कंपटीशन रेडी। आप समझ सकते हो और 2 महीने के बाद इसका फिन का साइज़ क्या होगा, अभी देख लो आप फिन। सो आपने ये तो देख लिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि मेरे पास सेल के लिए कौन सा अवेलेबल है और रेयर आइटम क्या क्या है। मैंने कितनी बार मैं ये टैंक को दिखा चुका हूँ, इस टैंक में है HB ब्लू रिबन एंड नॉन रिबन। सो मैंने आपके व्यूइंग के लिए एक उठा के रखा है, ये है HB ब्लू रिबन का पेयर। आप रिबन देख सकते हो, क्लियर रिबन विजिबल है, मेल में भी है फीमेल में भी है, देख लो, मेल में भी रिबन है फीमेल में भी रिबन है। ये जो वैरायटी है इसका प्राइस है
₹250 पर पेयर, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जो चाहते हैं जल्द से जल्द मेरे को कांटेक्ट करें। ₹250 पर पेयर में रिबन है, जो नॉन रिबन मिलेगा वो आपको मिलेगा ₹200 में, जो नॉन रिबन है वो ₹200 में है, लेकिन नॉन रिबन ज़्यादा नहीं है, रिबन 5 से 6 पेयर है लेकिन नॉन रिबन ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो मेरे से। ये देख लो ये कैसा खाना खा रहे, खाना खा रहे इसका मतलब ये हेल्दी फिशेज है, हेल्दी और एक्टिव फिशेज है। तो अभी मैं आपको बाकी का फिशेज दिखाऊंगा, तो आप एक एक करके देखते रहो और वीडियो को एंजॉय करते रहो। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोलना। अभी मैं जिस टैंक के पास खड़ा हूँ इसमें है सेंटा क्लॉज, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाया है, आप देख लो जब मैं इसको खाना देता हूँ, और ये खाने में मैं ब्लड वर्म देता हूँ, जब ये खाना देता हूँ मैंने एक बार ऑलरेडी दे चुका हूँ, जब मैं पहली बार देने आता हूँ ना तब ये झपट्टा मार के पड़ते हैं, और अभी ये झपट्टा इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि मैंने इसमें नेटिंग किया है, तो नेटिंग करने के बाद ये थोड़ा टेंस हो जाता है। नेटिंग किस लिए किया है, आपके लिए, ताकि ये क्वालिटी मैं आपको दिखा पाऊँ सेंटा क्लॉज का। ये मैं उठाया हूँ आपको दिखाने के लिए, उसमें बहुत सारा है सेंटा क्लॉज, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी समझ में नहीं आएगा इसीलिए मैंने यहाँ पर उठाया है, तो आप सेंटा क्लॉज का क्वालिटी देख सकते हो। और ये सेंटा क्लॉज अवेलेबल है, तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करो ऐसा क्वालिटी का सेंटा क्लॉज अपने पास ले जाने के लिए। नेक्स्ट आपको गाइज एक डम्बोयर का आइटम दिखाता है, क्योंकि गप्पीज़ में डम्बोयर सबका फेवरेट होता है, मतलब मैं किसी का फेवरेट तो नहीं बोल सकता, किसी का कॉय फेवरेट है, किसी का लॉन्ग टेल फेवरेट है, लेकिन डम्बोयर, डम्बोयर गप्पी सबको पसंद आता है, सबसे ज़्यादा क्वेरीज डम्बोयर का ही रहता है। सो मैंने देखिए ऑलरेडी उठा लिया है दिखाने के लिए, सिर्फ 2 मेल उठाया है, फीमेल इसलिए नहीं उठाया है क्योंकि फीमेल ना यहाँ पर बच्चा दे रहा है, मैं शायद दिखा दूँ आपको, फीमेल यहाँ पर बच्चा दे रहा है, मैंने आज ही नोटिस किया यहाँ पर 5-6 बच्चा है। तो ये जो सुपर रेड डम्बोयर है ये एकदम लोडेड और रेडी है, ये देखिए एक ये आज ही दिया है इन्होंने, ये तो टेलीपोर्ट होता है, यहाँ से कई गायब हो गए, वो रहा है वो रहा, वो देखो ये आज बच्चा दे रहा है, सो और भी बच्चा देगा, तो मैं फीमेल को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, यहाँ पर मैंने मेल आपके लिए उठाया है। ये डम्बोयर में थोड़ा कॉस्टली है, ये 200-300 वाला नहीं है, इसका प्राइस मैं बोल दूँ पहले ही क्योंकि मैं ये बहुत बेचा हूँ और आगे भी बेचूँगा, ये ₹500 पेयर है भाई, नॉर्मल डम्बोयर से ये ज़्यादा है दाम, मेरे को पता है, क्वालिटी आपके सामने है, क्वालिटी आप देख लो, ये सेम ही क्वालिटी मिलेगा, किसी को मैं एक क्वालिटी दिखा के दूसरा क्वालिटी का फिश नहीं देता। आप जो यहाँ पर देख रहे हो अगर कोई सुपर रेड डम्बोयर मंगाएगा तो उसको यही क्वालिटी मिलेगा, सुपर रेड डम्बोयर यही क्वालिटी का मिलेगा। मेरे पास सुपर रेड डम्बोयर का 3 से 4 पेयर होगा लास्ट, क्योंकि बहुत सारा सेल हो चुका है, लास्ट 3 से 4 पेयर होगा, जो भी बंदा लेना चाहे जल्द से जल्द मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट करे। इसका फीमेल एकदम लोडेड है, बच्चा दे रहा है, और अगर कोई लोग चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरे को कांटेक्ट करो। सो गाइज अभी आपके स्क्रीन में जो देख पा रहे हो ये है मेटल ब्लैक स्नेक स्किन, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, अभी फिर से देख लो, ये है मेटल ब्लैक स्नेक स्किन, ये अभी सेमी एडल्ट साइज़ का है और इसका एज 2.5 मंथ है, और ये अभी और बड़ा होगा। तो स्नेक स्किन में मेरे पास 2 है, एक है ब्लैक स्नेक स्किन जो ₹200 करके पेयर है, उसका मैं वीडियो अगर कोई मेरे को व्हाट्सएप में DM करेगा तो मैं भेज दूंगा, लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये वाला देख लो, ये वाला है ₹350 पेयर, सो ये भी अवेलेबल है, और इसका फीमेल भी मेरे पास है, फीमेल मैंने नहीं उठाया क्योंकि फ़ीमेल जंप कर रहा है, मैं पकड़ने जा रहा हूँ तो जंप कर रहा है, तो मैंने सोचा इनको टेंशन नहीं दे के मेल ही दिखाता हूँ। सो आप मेल देख लो, फीमेल भी सब सेमी लोडेड मिलेंगे, फीमेल यहाँ पर है, ये देखो फीमेल अंदर घूम रहे हैं, सब सेमी लोडेड, ये देखो ये लोडेड फीमेल सब है, सो फीमेल मेल दोनों है, मेल सेमी एडल्ट है, फीमेल थोड़ा एडल्ट मिलेगा। ये गप्पी भी सेल के लिए अवेलेबल है, सो जो भी लेना चाहे मेरे को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, फ़ोन नहीं व्हाट्सएप करें, मैं एक ही वीडियो में 10 बार बोल रहा हूँ, मैं 10 वीडियो में 100 बार बोल चुका हूँ भाई, फ़ोन ज़्यादा मत करो, व्हाट्सएप करो। जो लोग ब्लू कलर में गप्पी पसंद करते हैं उनके लिए ये है लाजुली ब्लू, मैं फ़ीमेल इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि फ़ीमेल अभी अंदर बच्चा दे रहा था, ठीक है,
सेमी लोडेड फीमेल है वो भी बच्चा दे रहा है, सब लोडेड मांगता है, लेकिन मेरे पास जो सेमी लोडेड फीमेल है वो भी बच्चा देता है। तो जो लोगों का ब्लू कलर में गप्पी फेवरेट है, फुल ब्लू नहीं है, ठीक है, मैं आप देख रहे हो ये है लाजुली ब्लू, सो ये भी अवेलेबल है, ये है 250 करके पेयर, एक पेयर 250। सो अगर ये भी कोई लेना चाहे तो मेरे से जल्द व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करो। अभी आपने जो देखा आपके सामने वो है लाजुली ब्लू। सो अभी थोड़ा रेयर आइटम देखते हैं, ये है वो पहला रेयर आइटम जो मैं दिखा रहा हूँ, आइवोरी रेड। ये आइवोरी रेड भी अवेलेबल है, जो जो लोग आइवोरी रेड खरीदना चाहते हो मेरे को व्हाट्सएप में डीएम करो, व्हाट्सएप करो, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करो। ये अवेलेबल है, अभी दो पेयर ही अवेलेबल होगा, ये कॉस्टली भी है और बहुत रेयर गप्पी भी है, सो ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते कभी भी, ये बहुत कम ही अवेलेबल है इसमें, क्योंकि फीमेल मेरे पास बहुत कम है। फीमेल आप यहाँ पर दो देख पा रहे हो और अंदर एक है छोटा सा, सो मैं दो पेयर ही दे पाऊँगा सेल के लिए। जिसको भी चाहिए होगा ये आइवोरी, सो मेरे को जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि आइवोरी का बहुत सारा डिमांड आ रहा है। सो गाइस, ये टैंक आइवोरी ब्लू का था, ठीक है, इसमें से मैंने ऑलरेडी उठा के आपके लिए रखा है आपको, ताकि आपका समय ज़्यादा ज़ाया ना हो। सो ये आइवोरी ब्लू, ये देखो, ये अवेलेबल है अभी, ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा रोशनी कम है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो अभी आप देख लो, ये आइवोरी ब्लू है, ये भी बहुत रेयर है, ये वियतनाम ब्लड लाइन का है, ठीक है, थाईलैंड ब्लड लाइन का आपको हर फार्म में मिल जाएगा, क्योंकि थाईलैंड से इम्पोर्ट करना बहुत ईजी हो चुका है आजकल, लेकिन वियतनाम से इम्पोर्ट करना उतना ईजी नहीं है। शुभजीत दा है हमारे साथ, इसलिए हम ऐसा ऐसा गप्पी जो वियतनाम से आ रहा है हमको मिल रहा है इतना कम दाम में, क्योंकि वियतनाम से हर कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। सो आप देख लो इसका क्वालिटी, ये अभी अवेलेबल है, इसका कोई पेयर चाहे ट्रायो चाहे सब अवेलेबल है। सो इसका पेयर का प्राइस है 1000 रुपये, ट्रायो का प्राइस होगा 1500 रुपये। अगर कोई लेना चाहता है तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो भाई, इम्पोर्टेड क्वालिटी का गप्पी में कोई डिस्काउंट मैं नहीं दे सकता, ठीक है, आप लोग फिर भी मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं अपनी तरफ से जो होगा करूँगा, लेकिन डिस्काउंट इस गप्पी के ऊपर मेरे को मत बोलना, ठीक है भाई, मैं हाथ जोड़ के पहले से ही बोल रहा हूँ, डिस्काउंट के लिए मेरे को नहीं बोलना। मैं इनको छोड़ दूँ, ये देखो धीरे धीरे इनके टैंक में इनको छोड़ दे रहा हूँ, ये चले जाए। यहाँ पर जो फीमेल है आइवोरी ब्लू का, ये सारे लोडेड फीमेल है, ये भी बच्चा दे रहा है, यहाँ पर 2-3 बच्चा मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। गाइस मैं आपको ये टैंक दिखाना भूल गया था, मैं इसको भी दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेयर गप्पी अवेलेबल है। मेरे पास 4 पेयर है, मैं 2 पेयर खुद के लिए रखूँगा, 2 पेयर सेल करूँगा। ये है ग्रीन आइवोरी, बॉडी में आप ग्रीन का शेड देख पाओगे। मैं एक और पकड़ के दिखाऊँ, इसको छोड़ दूँ, सिर्फ एक मेल पकड़ते हैं। चलो ये देखो, इसमें बॉडी पर पूरा ग्रीन शेड होगा और ऐसा हाफ मून में टेल आएगा, पूरा परफेक्ट, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है। सो ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, और ये वाला स्ट्रेन तो वर्ल्ड में गिने चुने लोगों के पास है, मतलब इंडिया तो छोड़ दो, वर्ल्ड में गिने चुने लोगों के पास है। सो ये इसका भी 2 पेयर अवेलेबल है, जो लोग रेयर रेयर गप्पी का शौकीन है वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, इसका 2 पेयर मैं दे सकता हूँ आपको। सो कोई भी एक बंदे को मैं ये 2 पेयर दूंगा, तो वो कौन है मेरे को नहीं पता, जो पहले कॉन्टैक्ट करेगा उसको पहले मिलेगा। वैसे तो एक बंदा बोला है कि वो वेडनेसडे को आएगा, मेरे को पता नहीं कि वो आएगा कि नहीं, इसीलिए मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। अगर वो वेडनेसडे आ गया तो कोई बात नहीं है, तो बुक हो जाएगा, तो ये सेल हो जाएगा, लेकिन अगर वो वेडनेसडे नहीं आता तो किसी और को मैं भेज दूँगा ये। सो गाइज, अभी वक्त हो चुका है वीडियो को यही एंड करने का, क्योंकि नहीं तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। वीडियो करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा नेट भी ऑन है और चार्ज एकदम
कम हो चुका है, तो मैंने बहुत सारा आइटम दिखा दिया, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया, आगे भी और दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारा गप्पी अभी अवेलेबल है सेल के लिए, जो इम्पोर्टेड ब्रिड का है भाई उसमें मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता, जो मेरे पास पहले से है मतलब जो सेंटा क्लॉज है, जो लाजुली ब्लू है और भी बहुत कुछ है, उस पर मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ और दे रहा हूँ, तो जल्द से जल्द डिस्काउंट अवेल करो, क्योंकि यही लास्ट 15 दिन है डिस्काउंट का। सो डिस्काउंट क्या है फिर से बता दूँ, 1000 रुपये का गप्पी लेने पे 10% डिस्काउंट, 2000 रुपये का गप्पी लेने पे 20% डिस्काउंट। सो जो ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो मेरे को जल्द से जल्द व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करो, कॉल मत करो व्हाट्सएप करो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर रहे हो इसीलिए मेरे को मजबूरन ये नंबर का रिचार्ज इस महीने से बंद करना पड़ रहा है भाई, समझो। मेरे घर वाले भी परेशान हो चुके हैं कि भाई इतना फ़ोन तो एक मिनिस्टर का भी नहीं आता जितना तेरा आता है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे को व्हाट्सएप करो, मतलब बंदे इतने अनपढ़ होते हैं कि मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं, भाई मेरे को पता है आपने 100 बार बोला है वीडियो में कि फ़ोन ना करने को, फिर भी मैंने फ़ोन किया। भाई कौन से मुँह से फ़ोन कर रहे हो, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि मैंने मना किया है, फिर भी आप बिना परमिशन फ़ोन कर रहे हो, मतलब ये तो बेशर्मे की हद हो गई ना भाई। गुस्सा इसलिए नहीं हूँ, गुस्सा इसलिए हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं 2 जन का 10 बार फ़ोन काटा हूँ, 10 बार, एक एक बंदा 5-6 बार करके फ़ोन कर रहा है। भाई वीडियो करने में टाइम लगता है, मेरे को फिशेस को ध्यान रखना पड़ता है, इतना सारा काम रहता है और मेरा खुद का भी एक पर्सनल लाइफ है, तो उसमें अगर आप मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब करोगे तो मेरे को मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ेगा। और जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हो उनसे मैं बोलूँ, भाई नहीं जम रहा है मेरे से तो मेरे से मत लो, मैंने आपको मजबूर किया है कि आप मेरे से ही लो, आपने मेरे से बात किया तो मेरे से ही लो, ऐसा तो नहीं है, आपका मर्जी है, आप अपने खुद के मर्जी के मालिक हो, जिससे मर्जी उससे लो, मेरे से प्राइस पसंद नहीं है तो भाई आर्ग्यूमेंट मत करो, आर्ग्यूमेंट करके खुद का भी टाइम लॉस कर रहे हो, मेरा भी टाइम लॉस कर रहे हो। और जो लोग स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो ना मेरे में चैट में कॉमेंट में, तो मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, घर में माँ बाप से भी ऐसे बात करते हो, नहीं करते ना, तो अपना संस्कार दिखाओ कि घर में कैसे बात करते हो, वही लोगों को दिखाओ, नहीं तो आप बाहर जाके जैसा बात करोगे ना लोग सोचेंगे कि घर में भी बंदा ऐसा ही बात करता है। सो माँ बाप ने जो संस्कार दिया है उसको काम में लगाओ। मैं इतना हार्श वर्ड कभी भी YouTube में यूज़ नहीं किया, यूज़ करने को मजबूर हो चुका हूँ, और आज के बाद जो भी कोई नेगेटिव कमेंट करेगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा। सो भाई बहुत हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन जो था वो निकाल दिया। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि फ़ोन का चार्ज अभी स्विच ऑफ होने वाला है फ़ोन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।